एक शख्स रात को अपना फोन चार्जिंग में लगाकर सो गया। नतीजा ये हुआ कि रात को ओवर चार्जिंग की वजह से फोन फट गया। ये लगभग 10 साल पहले की खबर है। हालांकि इस घटना से सबक लेते हुए फोन निर्माता कंपनियों ने कई सुरक्षा उपाय किए और अंततः इस समस्या को दूर कर दिया गया। लेकिन आज भी बहुत से लोग यही मानते हैं कि रात भर चार्जिंग में लगाकर रखने से फोन ब्लास्ट हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, चार्जिंग को लेकर और भी बहुत सी भ्रांतियां हैं जिन्हें लोग आज भी सच मानते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। बीते एक डेढ़ दशक में मोबाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ है, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन को लेकर कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जो बेसिक फोन के जमाने से चली आ रही हैं। ऐसी ही कुछ भ्रांतियां हैं फोन की बैटरी और चार्जिंग को लेकर, जिन्हें लोग आज भी सच मानते हैं। जैसे कि रात भर चार्जिंग में लगाए रखने से फोन में विस्फोट हो जाता है और बैटरी को हमेशा 100% चार्ज करना चाहिए आदि। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बैटरी और चार्जिंग से जुड़ी भ्रांतियों और उनके पीछे छिपी सच्चाई के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओवर चार्जिंग से फोन ब्लास्ट। बहुत से स्मार्टफोन यूजर्स का यह मानना है कि अगर उन्होंने रात भर फोन को चार्जिंग में लगाकर छोड़ दिया तो ओवर चार्जिंग की वजह से फोन में विस्फोट हो जाएगा या फिर ओवरनाइट चार्जिंग की वजह से बैटरी खराब हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। अगर आप चाहें तो कई महीनों तक आप अपने फोन को चार्जिंग में लगाकर छोड़ सकते हैं। यकीन मानिए, महीनों बाद भी आपके फोन को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन्स उच्च सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। खासकर लिथियम आयन बैटरी वाले डिवाइसेस में तो सेफ्टी का अतिरिक्त ध्यान रखा जाता है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी ओवर चार्जिंग को लेकर काफी सेंसिटिव होती है। ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसके फोन में विस्फोट हो और मार्केट में उसका नाम खराब हो। इसीलिए हर कंपनी अपने फोन और बैटरी दोनों में टेम्परेचर सेंसर और ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन सर्किट लगाती है। ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन सर्किट फोन को ओवर चार्ज होने से रोकता है। जैसे ही बैटरी 100% चार्ज हो जाती है, ये पावर सप्लाई को बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही बैटरी 100% से कम होती है, पावर सप्लाई फिर से शुरू हो जाती है और बैटरी 100% पर आकर रुक जाती है। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि आप अपने फोन को चार्जिंग से हटा नहीं लेते। यानी कि आपका फोन अगर महीनों तक भी चार्जिंग में लगा रहेगा, तब भी वह न तो कभी ओवर चार्ज होगा और न ही उसमें कोई विस्फोट होगा। टेम्परेचर सेंसर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चार्जिंग के दौरान फोन में हीट पैदा होती है जिससे फोन गर्म हो जाता है। इसलिए फोन में टेम्परेचर सेंसर दिया जाता है जो फोन और बैटरी के तापमान पर नजर रखता है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों के मुताबिक चार्जिंग के दौरान फोन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना आम बात है, लेकिन अगर तापमान इससे ऊपर चला जाता है तो तापमान सेंसर फोन के सॉफ्टवेयर को इसकी सूचना देता है, जो चार्जिंग को धीमा कर देता है। गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि फास्ट चार्जिंग के बावजूद फोन काफी धीरे चार्ज होता है। यानी कि फोन जितना ज्यादा गर्म होता है वो उतना ही धीरे चार्ज होता है। अगर आपने रूम में कूलर या एसी लगा रखा है और कमरे का तापमान ठंडा रहता है तो बात अलग है। 0% से 100% चार्जिंग। बहुत से स्मार्टफोन यूजर्स का यह मानना है कि बैटरी को हमेशा फुल यानी कि 100% चार्ज करना चाहिए और जब तक बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज यानी कि 0% ना हो जाए तब तक उसे चार्ज नहीं करना चाहिए। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि इससे बैटरी की साइकिल लाइफ बढ़ती है और वो लंबी चलती है, लेकिन ये बात सच नहीं है। अगर स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों की माने तो फोन की बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। जब बैटरी का चार्जिंग लेवल 20% पर आ जाता है तो उसे फिर से चार्ज कर लेना चाहिए और 80% से ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। यानी कि बैटरी को हमेशा 20% से 80% के बीच चार्ज रखना चाहिए। इससे न सिर्फ बैटरी की हेल्थ अच्छी रहती है बल्कि उसका जीवन काल भी बढ़ जाता है। बैटरी साइकिल लाइफ। दूसरी सबसे बड़ी भ्रांति है बैटरी की साइकिल लाइफ को लेकर। दरअसल बैटरी की एक निश्चित साइकिल लाइफ होती है जो तकरीबन 500 से 600 के बीच होती है। एक साइकिल का मतलब होता है बैटरी को एक बार फुल डिस्चार्ज से फुल चार्ज करना, यानी कि 0% से 100% तक चार्ज करने पर बैटरी का एक साइकिल पूरा हो जाता है। इस हिसाब से आप बैटरी को 500 से 600 बार चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाएगी और वो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी, तब आपको बैटरी बदलवानी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइकिल लाइफ पूरी होते ही बैटरी एकदम से दम तोड़ देगी। बैटरी उसके बाद भी काम करेगी लेकिन उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी और वो 6 घंटे की जगह 5 घंटे, 4 घंटे या फिर 3 घंटे ही चल पाएगी। यानी कि बैटरी बैकअप लगातार कम होता जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या अन्य चार्जर से चार्ज करने पर बैटरी खराब हो जाती है। तो बहुत से स्मार्टफोन यूजर्स ये सलाह देते हुए मिल जाते हैं कि अगर आप फोन के साथ आए हुए ओरिजिनल चार्जर की जगह किसी अन्य कंपनी का चार्जर इस्तेमाल करेंगे तो आपके फोन की बैटरी खराब हो जाएगी। इसीलिए हमेशा फोन के साथ आए हुए ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ तक कि फोन बनाने वाली कंपनियां भी यही कहती हैं, लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। पूरा सच ये है कि आप किसी भी कंपनी का चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो ओरिजिनल होना चाहिए और आपके फोन के अनुकूल होना चाहिए। अगर आप कोई सस्ता सा घटिया क्वालिटी का चार्जर इस्तेमाल करेंगे जो आपके फोन के अनुकूल ही नहीं है, तब तो बैटरी खराब होनी ही है। इससे तो आपका फोन गर्म होकर फट भी
सकता है। जी हाँ, अ लोकल चार्जर कैन कॉज योर फोन टू बस्ट, लेकिन असली चार्जर से ऐसा कभी नहीं होगा। फोन ब्लास्ट होने के जितने भी मामले सामने आते हैं उनमें से ज्यादातर मामलों में कंपनी की कोई गलती ही नहीं होती, बल्कि सारी गलती यूजर्स की ही होती है। इसके पीछे एक कारण गलत चार्जर या गलत केबल का इस्तेमाल करना भी होता है। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसका फोन ब्लास्ट हो, क्योंकि जब भी किसी कंपनी का फोन ब्लास्ट होता है तो मार्केट में उसकी साख पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हर कंपनी ऐसी स्थिति से बचना चाहती है। इसलिए स्मार्टफोन कंपनियां इस बात पर जोर देती हैं कि आप उनके ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें। यहां तक कि यूजर मैनुअल में भी इस बात को चेतावनी के तौर पर लिखा जाता है। लेकिन अगर आप एक ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके फोन के अनुकूल हो, तो वह फिर किसी भी कंपनी का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।